आज की वीडियो हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेल्स। सेल्स बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का, रीजन बीइंग कि हमारी पूरी बॉडी ही सेल से बनी है। ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं है जहां पे सेल्स ना हो। और कितने सेल हमारी पूरी बॉडी में देखो, 30 ट्रिलियन। और क्योंकि मुझे पता नहीं था ट्रिलियन में कितने जीरो होते भाई, तो इसे लिख दिया मैंने 10^13। मतलब इतने सेल्स होते हमारे एक बॉडी में, तो मतलब पूरी बॉडी में जगह जगह सेल से ही बनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्निकल नेम क्या है सेल्स का, वो होता है साइटो। साइटो बेटा का मतलब होता है स्मॉल, और ये लेटिन वर्ड है बेटा। क्योंकि मुझे लेटिन भाषा ज्ञान है इसलिए मुझे पता है कि साइटो मतलब क्या होता है, स्मॉल। जब बायोलॉजी में बात करोगे तो बन जाएगा साइटोलॉजी, क्योंकि देखो साइटो तो हो गया स्मॉल और लॉजी होता है स्टडीज, और सेल्स बहुत छोटे होते हैं बेटा, इसलिए स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है ना। अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं तो साइंटिफिक नेम है इसका सेला, और सेला मतलब होता है स्मॉल रूम, तो इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने बेटा, बट जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी उन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। बाद में 1674 में एंटोनी वैन लियोक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। क्या करा इन्होंने, देखा एक तालाब में था, तालाब में इन्होंने माइक्रोस्कोप लगा के देखे और वहां में लिविंग सेल देखे। और देखो बेटा मैं 4-4 घंटे तालाब के सामने बैठ रहता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना तो वहां पे एक छोटी सी मछली भी दिखाई देती है हमारे तरफ, तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। सेल थ्योरी किसने दी, सिडनी स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी सेल थ्योरी की, सेल किससे बनाया, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, वो सारे पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल, सेल खुद ही बहुत छोटा है पर उसमें से भी सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, यूनिसेल्युलर सेल है। इसका साइज बेटा 0.1 माइक्रोमीटर। अब देखो 0.1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है 10^-6 के, तो देखो 0.1 तो वैसे ही छोटा है, तो इसका है 0.1 × 10^-6। अभी सोचो कितना होगा, मतलब आप उसको माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, बड़े बड़े वाले माइक्रोस्कोप से। अगर मैं बात करूं आपसे लार्जेस्ट सेल, अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, उसका सेल बेटा सबसे ज्यादा, एग जो होता है उसका सेल सबसे ज्यादा बड़ा होता है। अगर मैं बताऊं 5.1 इंच तो विड्थ होती है, और उसका वजन देखो, उसके अंडे का जो वजन होता है 1 किलो 400 ग्राम होता है। मान लो 1 किलो 400 ग्राम का इसका अंडा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा, तो आपने कौन सा बोलना, ह्यूमन स्पर्म। मैंने आपको बताया था मेल गैमेट होता है स्पर्म, है ना, उसे कहते हैं बेटा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल ओव्यूम है, ये फीमेल गैमेट है ना, मेल गैमेट का स्पर्म कोलाइड फीमेल गैमेट ओव्यूम टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट, पता है ना। हाँ, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें, लॉन्गेस्ट देखो लार्जेस्ट और लॉन्ग, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट सबसे ऊंचा है ना, तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। इसकी लंबाई 3 फीट होती है बेटा, तो देखो कितना लंबा सेल है। और न्यूरॉन जो होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे नॉन डिवाइडिंग सेल, वो सेल जो डिवाइड नहीं होते वो कौन से, हमारे न्यूरॉन। न्यूरॉन बेटा नॉन डिवाइडिंग सेल है, दिमाग में पाए जाते हैं, और जहां पे भी आपके नॉन डिवाइडिंग सेल होंगे तो वहां पे क्या होगा, अगर कोई आपको चोट लगती है कुछ होगी तो उसका ठीक होना बेटा बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी दिमाग के अंदर चोट लगती है तो देखो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, उसको कंट्रोल भी नहीं होती। पर अगर हाथ में लगे, पैर में लगे, वहां पे लगे, तो वहां पे क्या होते हैं, हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो इसीलिए हमारी चोट जो ठीक हो जाती है। अगर मैं आपसे बताऊं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में कितने सेल्स होते हैं, हमारे ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% हमारे ग्लियल सेल्स होते हैं। अगर फास्टेस्ट डिवीजन की बात करें, लीवर, लीवर बेटा सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है, इसलिए इसकी जो है लार्जेस्ट रीजनरेशन पावर भी होती है। अब हम देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर को, कि सेल किस किस चीज़ों से बना हुआ है ना। पहले आप एक बात समझो बेटा, जैसे छोटी छोटी ईंटों से कई सारी छोटी इकट्ठी ईंटें इकट्ठी करके दीवार बनती है, फिर कई दीवारें इकट्ठी करके कमरा बनता है, फिर कमरे से क्या बनता है, एक मकान बनता है। उसी तरह छोटे छोटे सेल इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। छोटे छोटे टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बॉडी पार्ट। और बॉडी पार्ट इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बॉडी। तो उसी तरह समझो, देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बेटा, सबसे बाहर की लेयर जो होती है सेल की उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन, है ना, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है भाई, ठीक है। बनी किस चीज की होती है, फैट और प्रोटीन से, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब बेटा आधा, परमिएबल मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही पास होने देता अपने से, सारी की सारी चीज़ों को पास नहीं होने देता ये। जैसे एग्जांपल समझो, आप चाय की छन्नी देखी आपने, आप बेटा घर पे चाय छान रहे हो, आपने ऐसा करके चाय डाल दी उसके ऊपर, तो देखा चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे। इसी तरह से बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होने देता है और कुछ को नहीं होता।
रेगुलेट द ट्रांसपोर्टर मेटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल, कौन से मेटेरियल सेल में जाने चाहिए, कौन से बाहर आने चाहिए, चेक करता कौन, प्लाज्मा। गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलेटर, जितने भी आप नाम सुने होंगे सारे के सारे किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल खाली बेटा प्लांट्स में होती है, एक बात अब जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर अंदर से आके सेल वॉल आ गई, ऐसे समझ लो। किससे बनी होती है, सेल्यूलोस होती है, गिव्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू सेल, भाई सपोर्ट होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कौन देता है इसको, सेल वॉल। फिर हम चलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले समझो कि डिस्कवरी किसने थी, ऑल्टमैन ने। अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपके बोलेंगे ऑल्टमैन। पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए से कहा गया पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे पूरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन होता है बेटा किसी भी चीज को, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उससे एनर्जी निकालना, तो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो यहां पे क्या होता है, देखो जो भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट जो सेल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो सेल में प्रेजेंस होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, उनको कन्वर्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब इसे आप क्रैब साइकिल कहते हैं। क्रैब साइकिल में क्या होता है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट फैट से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी लिबरेट होती है, उसे कहते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में आगे जाके बेटा आप देखोगे एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट होता है, एडीपी एटीपी में। आपने कहा सर क्या है, एडीपी और एटीपी एनर्जी करेंसी है, मतलब कितनी एनर्जी वो कैसे नापते हैं एडीपी बेटा। तो जब ये क्रैब साइकिल होती है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, एडिनाइसिने ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की होती है एडिनाइसिने डाइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीनों का नाम एक ही भाई, अमर अकबर एंथनी है, एक ही नाम है बेटा तीनों के, ठीक है, अलग अलग है, मतलब गोल्गी बॉडीज गोल्गी एक ही चीज है सारी, किसी भी नाम है आपको पता होना चाहिए सेम ही। अब गोल्गी बॉडीज का क्या है, कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज पैकेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर पैकेट ट्रांसफर करना किसका काम है, गोल्गी बॉडीज का। एग्जांपल समझो बेटा, मान लो मैं फुटबॉलर था बेटा, मैं बार्सिलोना क्लब से खेलता था, मैं एक घंटे में तीन तीन चार चार गोल मारता। अब मान लो मैं फुटबॉलर हूँ, मेरा काम क्या है, दौड़ने का, तो मुझे किस बॉडी पार्ट में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, भाई पैरों में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पर आपने कहा सर हर बॉडी पार्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस वहाँ गोल्गी बॉडी। पर बेटा मैं एक घंटे दौड़ता रहा तो मेरे पैर थक गए, तो एनर्जी कहाँ से चाहिए, मुझे पैरों में चाहिए ना। पर ये क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट से एनर्जी को कहाँ लेके आएगा, पैर में। बात समझ आई नहीं, ऐसी है कि ना आप समझो कि मान लो मैं बोलने वाला काम बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब मैं आपको एक घंटे बोल रहा हूँ, दो घंटे बोल रहा हूँ, तीन घंटे, थक जाऊँगा ना मैं, तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो मुझे ऐसा एनर्जी चाहिए कि पूरी पूरी एनर्जी मेरे मुँह में रहे, जीभ में रहे, माउथ में रहे, तो सारे के सारे बॉडी पार्ट से लेके आनी पड़ेगी एनर्जी। वो कौन काम करता है, गोल्गी बॉडी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज पैकेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है मेरा वैक्यूल्स बेटा। वैक्यूल बेटा रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन सेल से, मतलब सेल में जो भी वाटर एब्जॉर्ब करना हो कहाँ पे होगा, वैक्यूल्स में, ठीक है। अब देखो ये प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आप मुझे बताओ कि प्लांट वैक्यूल, प्लांट से वैक्यूल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा कि एनिमल्स में, किसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आप कहेंगे सर ह्यूमन बींग्स को बेटा, ये गलत है, हमें बेटा रेगुलर पानी की जरूरत है, हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई पूरा पूरा टब नहीं चाहिए पार्टियों का पानी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। पर इनका जब तुम बात करोगे, इनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, साइज़ इतना बड़ा होता है इनका, बात समझ आ रही। तो वैक्यूल का साइज किस में प्लांट ज़्यादा होता है बेटा, प्लांट्स में एज कंपेरिजन टू एनिमल सेल, प्लांट्स में, है ना, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेटा थियोडोर बवेरी ने 1808 में हमारे डिस्कवर किए थे, और ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल डिवीजन है, हमारा सेल क्यों डिवाइड हो रहा है। मैक्सिमम सेल डिवीजन हमारा कहाँ पे होता है बेटा, मैक्सिमम कहाँ होता है ये सेंट्रोसोम, लीवर में। अच्छा मैंने आपको बताया था लीवर की बेटा लार्जेस्ट रीजनरेशन पावर, अभी वीडियो में पीछे बताया मैंने, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, यानी सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पर जाते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रीजनरेशन पावर भी है। पर सेंट्रोसोम बेटा दिमाग में नहीं पा जाते, और अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन बेटा, सेल डिवीजन जब इतना हो जाए कि अनकंट्रोल में उसे क्या कहते हैं, कैंसर। तो अब आप एक बात ध्यान से देखो, आपके दिमाग में होगा सर, आपने कहा था ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं,
और न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन नहीं होता, तो वहां पे कैंसर कैसे हो सकता है, यहां लिखा है। तो देखो बेटा, ब्रेन के बारे में ढंग से जानोगे तो उसमें 90% न्यूरॉन सेल है और 10% कित क्या है, ग्लियल सेल। अब मैंने आपको बताया था कि ये सेल नॉन डिवाइडिंग होते हैं, तो नॉन डिवाइडिंग होकर तो यहां पे तो कैंसर हो नहीं सकता। पर आपको पता है कि ब्रेन ट्यूमर तो आपने सुना है, ब्रेन ट्यूमर दिमाग का कैंसर, तो इसके अकॉर्डिंग दिमाग में होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है, वो इसकी वजह से 10% ग्लियल सेल है, इसी में कैंसर होता है, जो होता है हमारा ब्रेन ट्यूमर। बात समझ आएगी, ठीक है। फिर चलते हैं बेटा आगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रेन और कंट्रोल सेंटर। चला जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी इसकी हमारी सेल्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे न्यूक्लियस पे। इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ना बेटा, हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं कितने पेयर ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते, नहीं होते भाई, 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है ना। और एक कहां प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। अगर न्यूक्लियस की कंपोजिशन आप बताओगे तो 80% प्रोटीन है इसमें, 10% डीएनए है, अब बाकी बच्चे में बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सारे के किस्म आते हैं रेस्ट में। बात समझ आ रही, नहीं आ रही बेटा। नेक्स्ट है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दे आर कॉल्ड पिलर्स ऑफ द सेल। भाई सेल भी तो एक तरह से सपोर्ट मिल चाहिए वो। इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन। प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ताकि और सारे सेल जितने भी हैं वो ढंग से फंक्शन कर पाए। दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक SER और एक होता है बेटा RER। SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला स्मूथ वाला, ये रफ वाला है। अब ये रफ वाला बेटा, रफ किसकी वजह से होता है, प्रोटोन, इसकी वजह से राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की वजह से। यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से रफ होता है, और राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बताऊं तो सबसे पहले बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल लिपिड्स। लिपिड वो कंपाउंड होते हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है पानी में सॉल्युबल नहीं होता, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सेकेंड है रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेशन स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन, वो स्टीरॉयड होते हैं जो ऐसे हार्मोन की तरह एड करते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक सेक्स हार्मोन होता है, एक और होता है बेटा, वो बाद में पढ़ेंगे खैर कभी। नेक्स्ट है मेरा राइबोसोम, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या राइबोसोम होते हैं, उसको देखो। डिस्कवर सबसे पहले किया था पैलेट ने, किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए। आरएनए आपको पता होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके फंक्शन क्या है राइबोसोम्स के, सबसे पहले बेटा मैसेज को डिकोड करते हैं कि क्या मैसेज आया, और दूसरा है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं बेटा। केमिस्ट्री में बेटा एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे आता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली एमाइड लिंकेज होती है सी और एनएच की, तो उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना बेटा, सिर्फ सीधा याद कर लो, दे फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम डिस्कवर किए थे क्रिश्चियन डी डुवे ने, नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ सकते हैं कि लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। इन्हें कहा जाता है सुसाइडल बैग्स, और इनके अंदर होता है बेटा हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। देखो मेरी बात सुनो, लाइसोसोम का क्या काम, मैं आपको बता दूं। सपोज माइटोकॉन्ड्री अच्छे से काम नहीं कर रहा, वैक्यूल अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई भी चीज अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ये क्या करता है, वहां पे अपना हाइड्रोलाइटिक इंजाइम छोड़ देता है। हाइड्रोलाइटिक इंजाइम रिलीज करता है तो वहां के सेल्स मर जाते हैं बेटा, जिसकी वजह से फिर बेटा नए आते हैं, फिर ढंग अच्छे से काम हो पाता है। तो बेसिकली दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। कभी ये देखेगा कि कोई भी सेल ढंग से काम नहीं कर रहा, एकदम बस्ट हो जाता है बेटा, इसलिए कहा गया से सुसाइडल बैग। और RBC रेड ब्लड सेल में बेटा लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। लाइसोसोम का काम है डेड सेल्स को हटाना। तो अब जब राइबोसोम लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं है तो कैसे होगा, तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन बाद इन्हें कौन हटाएगा, तो ये कहां पे जाके मरते हैं बेटा, स्प्लीन में। आपको पता होगा ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एज स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि वहां पे जाके मरते हैं, क्योंकि इनके पास लाइसोसोम नहीं होते। इसी लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि फट जाते हैं इसलिए। तो इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।